जय महाकाल। सुबह सुबह नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग उठें, फ्रेश वगैरह नहा धोकर सीधे निकल जाए नवग्रह शनि मंदिर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लगभग 2 से 2.5 हज़ार साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि विक्रमादित्य ने ये मंदिर बनवाने के बाद ही विक्रम संवत की शुरुआत की थी। उज्जैन बस स्टैंड से इस मंदिर की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है, तो आप एक ऑटो कहिए और यहाँ तक पहुँचें। नवग्रह मंदिर दर्शन के बाद आप अपना पर्सनल व्हीकल या आपने जो कैब की है या आप बाई बस भी ओमकारेश्वर जा सकते हैं। इसमें आपको 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। अगर रास्ता में कहीं जाम मिलता है तो आपको 5 घंटे भी ले सकते हैं। ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप वहां पर एक बढ़िया सा होटल करें जो आपको 500 से 2 हज़ार तक मिल जाएगा। वहां पर आप थोड़ा रेस्ट करें और सीधा उसके बाद ओमकारेश्वर महाराज के दर्शन करने निकल जाएं। मोबाइल यहाँ पे अलाउ है, फ़ोटो बीच में आप खींच सकते हैं, लेकिन जो गर्भगृह है वहाँ पर आप फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा आप कहीं भी अपना फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको इजीली दर्शन हो जाएंगे। दर्शन के बाद आप वहाँ पर एक बोट लें और नर्मदा नदी में थोड़ा सा नौका विहार करें। जिसकी आप पर्सनल बोट करते हैं तो आपको 400 रुपये के समथिंग ये आपसे बोट वाला लेगा। नौका विहार में आप 3 से 4 मंदिर देख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आप दूर से ही देख सकते हैं। और लास्ट में आपको त्रिवेणी संगम पे घुमा के, जो कि दिखता नहीं है, बस बताते हैं कि ये त्रिवेणी संगम है। उसके अलावा नौका विहार में कुछ नहीं दिखाते, ये 15 मिनट में आपको फ्री करके छोड़ देंगे कि आपका नौका विहार ख़त्म हो गया है। नौका विहार के बाद आप यहाँ पर श्री ममलेश्वर महाराज के भी दर्शन करें। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर छोटा मोटा आसपास लोकल साइटिंग करें। उसके बाद आपको इवनिंग हो जाएगी और अपने होटल पहुँचें। यहाँ पर रुकने के लिए एक बहुत अच्छा आश्रम बना रखा है जो कि श्री गजानन महाराज संस्थान के नाम से है। महाराष्ट्र की ये संस्था है और यहाँ पर काफ़ी 350 से 400 रुपये में रूम मिल जाता है और काफ़ी अच्छे रूम हैं। और खाना भी यहाँ पर इन हाउस ही मिलता है जिसकी कॉस्ट आपकी 40 रुपये है। काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जल्दी रूम बुक हो जाते हैं, तो आप टाइम से पहुँच कर यहाँ पर अपना रूम बुक कराएं। वैसे भी बाहर यहाँ पर खाने पीने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी होटल वगैरह हैं, लेकिन उनका खाना इतना